सूरज क्षितिज से नीचे डूब रहा था और शांत सड़क पर छाया डाल रहा था। मेरी पत्नी जेना और मैं एक छोटी सी वीकेंड ट्रिप से लौट रहे थे। गाड़ी के टायर सड़क पर गिरी बदरी के साथ गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये एक शांतिपूर्ण वापसी थी जो शहर में होने वाली भाग दौड़ से ब्रेक लेने के लिए जरूरी था। लेकिन जैसे ही हम एक बोर्ड पर पहुंचे, हमारी शांति भंग हो गई। वहां बीच में एक महिला खड़ी थी। उसकी शक्ल ही ब्रेक लगाने के लिए काफी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो फटकर लटक रहे थे और जो स्किन दिखाई दे रही थी उस पर चोट के निशान थे। वो बेकाबू होकर रो रही थी। जब उसने हाथ हिलाकर हमें रोकने की कोशिश की तो वो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे देखकर हमारी चिंता सावधानी पर भारी पड़ गई। मैंने गाड़ी रोकी और जेना ने अपनी तरफ वाली खिड़की नीचे कर ली। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। क्या तुम ठीक हो? आखिर हुआ क्या? क्या तुम्हें मदद चाहिए? वो औरत लड़खड़ाते हुए करीब आई। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे किडनैप कर लिया गया है और पिछले एक महीने से बंदी बनाकर रखा है। मैं आज भागने में कामयाब हुई, वो भी मुझे ढूंढ रहे हैं। उसकी बातें हकीकत की ठंडी फुहार जैसी थी। मैं उसके रूप और कहानी से इतना हिल गया कि सच्चाई मेरी आंखों से चूक गई। सड़क के उस पार जंगली इलाके से आदमियों की एक टोली निकली। वो गुस्से में लग रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, पहला पत्थर विंडशील्ड से आकर टकराया, जिसे शीशे पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गए। ये लोग जो उसके पीछे पड़े थे, ये तो हम पर अटैक करने लग गए। गाड़ी चलाओ, जेना चिल्लाई। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए चाबी घुमाने लगा, लेकिन इतने में एक और पत्थर साइड से टकराया और शीशा टूट गया। कांच बारिश की बूंदों की तरह उड़कर मेरे चेहरे और हाथों पर आकर लगा। इससे पहले कि जेना अपनी साइड की खिड़की को बंद कर पाती, बाहर खड़ी हुई महिला ने चिल्लाते हुए जेना का हाथ पकड़ लिया। हिंसक आदमियों का समूह हमारे काफी करीब आ चुका था। उनमें से एक आदमी जो काफी हट्टा कट्टा था और उसके चेहरे पर बड़ा सा निशान था, वो मेरी साइड आया और उसने झटके से दरवाजा खोल दिया। अभी बाहर निकलो, वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज फट रही थी। मैंने इंजन पर जोर दिया। वो दम तोड़ चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने मेरी जैकेट पकड़ ली और मुझे गाड़ी से आधा बाहर खींच लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी, बहुत मजबूत। जेना चिल्लाने लगी। उसने अपने हाथों से उस आदमी पर वार करने की भी कोशिश की। उसके नाखून उस आदमी के गालों पर निशान छोड़ रहे थे। एक और आदमी आया और जेना की तरफ वाली खिड़की के कांच को तोड़ते हुए हंसने लगा। आधा टूटा हुआ कांच इतने जोर के बाद पूरी तरह टूट गया। वो बार बार वार करने लगा। इस बार खिड़की के कांच ने दम तोड़ दिया। वो शीशा टूट चुका था। हमें अकेला छोड़ दो, जेना चिल्लाई। उसकी आवाज टूट रही थी। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए, ये इस बारे में नहीं है, उस हट्टे कट्टे आदमी ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। बल्कि तुम हमें क्या दोगी उस बारे में है जानेमन। जैसे उसने ऐसा कहा, दो और आदमियों ने मुझे गाड़ी से खींचा। मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया गया। मेरी सांसें फूल रही थी। फिर उन्होंने मेरे पेट में लात मारना शुरू कर दिया और मेरी पसलियां दर्द से कराहने लगी। मैंने खुद को एक गेंद की तरह सिकोड़ लिया और अपने सर पर चोट लगने से खुद को बचाया। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जाओ, उसे भी ले आओ, उस आदमी ने अपने बंदों को आदेश दिया। और मैंने देखा कि दो आदमी जेना को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़े। वो उसे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो एक जंगली बिल्ली की तरह उनसे लड़ रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन उन आदमियों ने भी हार नहीं मानी। हमारे संघर्ष के शोरगुल के बीच टायरों की तेज आवाज आई। सामने से आती हुई हेडलाइट आशा की किरण की तरह शाम को काट रही थी। मोड़ से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। उसका ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था। वो लोग रुक गए। उनकी आंखों में अनिश्चितता झलक रही थी। ये वही मौका था जिसकी मुझे जरूरत थी। दर्द होने के बावजूद अपने दांत पीसते हुए मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैंने जेना को अपने साथ खींच लिया। भागो, मैं हाँफने लगा और हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारा एक ही मकसद था, उस जगह से, उन लोगों से दूर भागना जो अचानक हमारी जिंदगी में आ गए। हमारे पीछे लोगों के कोसने की आवाजें आ रही थी, लेकिन हम नहीं रुके। मौत हमारे आसपास मंडरा रही थी। जैसे ही हम वहां से भागे, हमारी स्थिति की वास्तविकता हमारे सामने आई। हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं थे। पीछा होना तो अभी शुरू हुआ था। हम जितना तेज हो सकता था उतनी तेज भागे। हमारी सांसें उखड़ने लगी। मेरे जख्मों के दर्द मुझे बार बार उस हादसे की याद दिला रही थी जिससे हम अभी अभी बचकर भागे थे। शहर की सड़क के सन्नाटे ने हमें घेर लिया था और झाड़ियों में हो रही हर सरसराहट, तिनकों के टूटने की आवाज मेरे सदमे से भरे दिमाग पर और गहरा असर डाल रही थी। जेना ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। उस पकड़ ने हम दोनों को ये एहसास दिलाया कि हम कितना डरे हुए हैं। ज्यादातर आदमी मेरी गाड़ी को खंगालने में व्यस्त हो गए। वो हर उस चीज को ले जाना चाहते थे जो वो निकाल सकते थे, लेकिन अभी भी दो आदमी ऐसे थे जो हमारा पीछा कर रहे थे।
हमारे पास सिर्फ इस बात की उम्मीद थी कि हम जितना ज्यादा फासला उनसे बनाकर रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। आगे जाकर सड़क मुड़ रही थी और कुछ दूरी से लाइट चकमगाती हुई दिखाई दे रही थी। हमें लगा कि अब हम सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे आ रहे वो दो आदमी अब हमारे काफी करीब थे। वो हमें आसानी से पकड़ लेंगे, इस बात के डर से हम घबरा गए। हमें कुछ तो करना ही था। हम इस तरह भागते नहीं रह सकते किल, जना ने हांफते हुए कहा। उसकी आवाज में थकान थी। हमें कहीं छुपने की जरूरत है। तभी हमारी नजर अपनी दाएं ओर एक छोटे से लकड़ी के घर पर पड़ी। रात के अंधेरे में वो नजारा किसी तस्वीर से कम नहीं लग रहा था। बिना एक भी शब्द कहे मैं सड़क से उतर कर खेत की तरफ भागने लगा। लंबी घासों से गुजरते हुए सरसराहट की आवाज होने लगी। हमें लगा था कि यह जगह कुछ देर के लिए हमारे छुपने की जगह बन जाएगी। जैसे ही हमने उस घर के दरवाजे को खोला तो हमें गीली घास और जंग की महक आने लगी। हम घास के एक ढेर के पीछे छुप कर बैठ गए। हमारी सांस उखड़ी हुई थी। जना का चेहरा रात की चांदनी में फीका पड़ गया। डर के मारे उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थी। हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए, मैंने हल्की आवाज में कहा और अपनी जेब से फोन निकालने के लिए हाथ अंदर डाला, लेकिन जेब में फोन नहीं था। शायद इन लोगों के साथ झड़प के समय वो फोन गिर गया होगा। जना ने भी सर हिलाकर ना कहा। उसका फोन भी गाड़ी में रह गया था। कई मिनट बीत गए लेकिन हमें किसी तरह का कोई संकेत सुनाई नहीं दिया। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। इस सन्नाटे के बीच कभी हमें उल्लू की आवाज सुनाई देती तो कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज। फिर अचानक एक आवाज ने हम दोनों को हैरान कर दिया। उस घर के बाहर से हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कोई आम हंसी नहीं थी, वो एक शैतानी हंसी सुनाई दे रही थी। वो दोनों इसी तरफ आए थे, मैंने देखा था, एक आवाज आई। पास आते हुए पैरों की आवाज से मेरे अंदर घबराहट की एक नई लहर दौड़ गई। जना और मैंने एक दूसरे को देखा। वही सोच हम दोनों के अंदर थी। हमें एक हथियार की जरूरत थी, कोई चीज जिससे हम अपना बचाव कर सके। मैंने घर के अंदर चारों ओर नजर घुमाकर देखा और मेरा ध्यान जंग लगे हुए एक औजार की तरफ गया। जना घास के ढेर के पीछे छुपकर सिसकती रही। मैं उस हथियार की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने उस हथियार को अपने हाथ में ले लिया और अब मुझे पता था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दरवाजा खुला और दो लोगों की परछाई कमरे में पड़ी। मेरे अंदर डर कूट कूट के भरा हुआ था। मैंने अपनी पूरी जान लगाते हुए उस औजार को हवा में उठाया। जना अभी भी उन घासों के पीछे छुपी हुई थी। मैं धीरे धीरे उस औजार को अपने हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ चलने लगा। मेरे अंदर एक जोश भरा हुआ था। जोर की आवाज हुई, वो हथियार एक आदमी के सर पर जाकर लगा। आदमी चिल्लाया, रात की शांति उसकी चीख से भंग हो गई। दूसरा आदमी मेरे ऊपर चढ़ गया। हम दोनों की इस झड़प में मैं दीवार से जा टकराया। जना पीछे से चिल्लाती हुई आई, उसकी आवाज तेज लेकिन डरी हुई। वो उस आदमी पर चढ़ गई जिसने मुझ पर हमला किया था। उसकी ताकत देखकर मैं भी हैरान हो गया था। हम तीनों के बीच का ये संघर्ष काफी मुश्किल था। हम अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी पास आई, हमलावर वहां से उठकर भाग गए। हो सकता है कि ट्रक के ड्राइवर ने मदद के लिए फोन कर दिया। थके हुए, चोट खाए और कांपते हुए जना और मैं उस घर की जमीन पर बैठ गए। कुछ ही मिनट के अंदर पुलिस अंदर आ गई। इसके बाद जब हमने अपना बयान दिया और पुलिस ने इलाके की तलाशी ली तो हमारे बाल बाल बचने की हकीकत सामने आई। इस तरह का काम करने का तरीका पहाड़ी लोगों के स्थानीय समूह का था। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि बाकी लोग सावधान रहें और हमारे इस हादसे से सीख लें। ये फुटेज एक गाड़ी के डैश कैम से ली गई है जो कि बहुत सुबह के समय कैप्चर हुआ गया था। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की बेस्ड है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सफेद गाड़ी राउंड अबाउट्स में धीरे धीरे घूम रही है, उसके बाद एक सीधे रास्ते पर जा रही है। सब सामान्य दिख रहा है, लेकिन 10 सेकंड बाद कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जो कि ड्राइवर को हिला देता है। एक औरत अचानक उस सड़क के बीच में आकर गाड़ी के सामने आकर गिर जाती है। एक आदमी देखा जाता है जो उसे बचाने आता है। ये सफेद गाड़ी वहां से बच के निकलने की कोशिश करती है। ड्राइवर समझ जाता है कि यह सिर्फ एक एक्टिंग है। ड्राइवर को पता चल गया था कि यह कोई इंश्योरेंस स्कैम है, लेकिन उसने देखा कि उस आदमी के पीछे पीछे बहुत से और आदमी उसकी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं जो कि डैश कैम में कैप्चर नहीं हुआ। वो समझ गया कि ये एक कार जैकिंग का केस है और वो वहां से भाग गया। इससे यही नतीजा निकलता है कि ये एक पूरे गैंग का काम है जो कि वो उसे उस गाड़ी से बाहर निकालना चाहते थे।
काली रात थी और चांद आसमान में एक चांदी के टुकड़े की तरह दिखाई दे रहा था। जब मैं जंगलों से घिरी एक सड़क से गुजर रही थी, ड्राइव करने का अनुभव मेरे लिए हमेशा से ही सुकून का जरिया रहा है। एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में मेरी नौकरी के शोर से भरे लंबे दिनों के बाद आराम करने का एक तरीका, लेकिन वो रात अलग थी। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स सामने के अंधेरे को चीरते हुए एक स्थिर गति से चल रही थी। सेडान के पीछे के हिस्से को देखती हूँ मैं। अचानक बिना किसी चेतावनी के सेडान एकदम से रुक गए। मैंने ब्रेक मारी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। टकराव से बचने के लिए मैंने मुश्किल से समय पर गाड़ी को रोका। वहां कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ हम थे एक भयानक शांति से घिरे हुए। मेरी अंतरात्मा चिल्ला उठी कि कुछ गलत होने वाला था। मैंने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया, विंडशील्ड से झांक कर किसी भी हलचल को समझने की कोशिश की। सेडान के ड्राइवर ने साइड से दरवाजा धीरे से खोला। काले कपड़े पहने एक आदमी बाहर निकला और वो सीधे मुझे घूर रहा था। मुझे घबराहट होने लगी। मैं समझ गई थी कि मुझे भागना होगा। मैंने सेडान को पार करने के लिए एक्सेलरेटर दबाया। जल्दबाजी में मेरी गाड़ी का किनारा उसकी गाड़ी से टकरा गया, जिससे हवा में तेज आवाज गूंज उठी। एक पल के लिए मैंने गाड़ी से संतुलन खो दिया। मैं सड़क से हटकर एक पेड़ से जा टकराई। उस टक्कर से मुझे झटका लगा। सीट बेल्ट ने मेरी छाती को स्टीयरिंग से टकराने से बचाया, लेकिन मेरा सर बुरी तरह घूम गया। मेरी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया। वो लोग मेरे पास आ रहे थे। बजरी पर उनके कदमों की आहट मुझे मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। जब मेरा ध्यान पीछे गया तो तीन आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर और हाथ में क्रोबार लेकर मेरी तरफ आ रहे थे। उसमें से एक आदमी ड्राइवर की साइड वाली खिड़की को पीटते हुए चिल्लाया। कांच नहीं टूटा, लेकिन वो ज्यादा देर तक रुका नहीं रह सकता था। मैंने अपना फोन ढूंढते हुए इधर उधर हाथ मारा, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं था। जरूर क्रैश के समय कहीं गिर गया होगा। मैं अकेली थी, फंस चुकी थी और मेरी गाड़ी बुरी तरह से टूट गई थी। जैसे ही मैंने गाड़ी को एक बार और स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन लड़खड़ाया। मैं किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रही थी। एक पल के लिए उसमें जान आ गई, लेकिन एक हमलावर ने पीछे वाली खिड़की का कांच तोड़ दिया, जिसके टुकड़े मुझ पर आकर लगे। तुम कहीं नहीं भाग सकते, एक और गुर्राती हुई आवाज आई। उसने मेरे बालों को पकड़ने की कोशिश की। मैं चिल्लाई। मैं खुद को आगे खींचती हूँ और मेरे सर में दर्द होने लगा। गाड़ी लड़खड़ाई, लेकिन पेड़ से ही चिपकी रही। स्थिति बहुत ही तंग थी। वो लोग मुझे टूटी हुई खिड़की से खींचकर बाहर निकालना चाहते थे। उन्होंने मुझे जकड़ रखा था। वो मुझे बुरी तरह खींच रहे थे। मैं तुमसे बिना लड़े हार नहीं मानने वाली, मैंने चिल्लाते हुए उनसे कहा। मेरी आवाज में डर भी था। मैं उनका पूरा सामना करती हूँ। उन्हें खरोच अपने दांतों से काटा, कुछ भी जिससे वो मुझसे दूर हो जाए। जैसे ही वो मेरे वार से थोड़ी देर के लिए पीछे हटे, मैंने गाड़ी को रिवर्स किया। मैं गाड़ी को उस जगह से हिलाना चाहती थी ताकि मुझे भागने का मौका मिले। अपना संतुलन खोते हुए हमलावर लड़खड़ाए और फिर मुझे गाली देने लगे। मैंने एक आखिरी पैंतरेबाजी के साथ इंजन चालू किया और गाड़ी अपनी जगह से हिली। आगे के पहिए बजरी पर बेतहाशा घूम रहे थे। गाड़ी पीछे की तरफ घूमी। हमलावरों में से एक सीधे गाड़ी के पीछे खड़ा था। मैंने एक धमाका, एक चीख सुनी, लेकिन मैं ये देखने के लिए नहीं रुकी कि मैंने किसको मारा। मैं नहीं कर पाई। मैं बस इतना जानती थी कि जिंदा रहने के लिए मुझे भागना होगा। आगे की सड़क और भी ज्यादा अंधेरे भरी थी। आसपास भयानक जंगल थे, लेकिन मैं गाड़ी चलाती रही। मैंने ऐसे गाड़ी चलाई जैसे कोई शैतान मेरा पीछा कर रहा हो। मेरे कानों में धड़कते हुए दिल की आवाज़ इंजन की आवाज़ से भी ज्यादा तेज आ रही थी, और जो मेरे साथ अभी हुआ और जो कुछ भी मेरे साथ हो सकता था, उसकी सच्चाई का एहसास होने पर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी गाड़ी झटके से आगे बढ़ गई, खतरे से निकल गए, लेकिन ये बचाव बस थोड़ी देर का ही था। पेड़ से टकराने की वजह से गाड़ी का इंजन खराब हो गया था। वो खांस रहा था, गड़गड़ाहट कर रहा था। उसके आखिरी झटके शांत होने से पहले गूंज रहे थे, देर होने से पहले बस कुछ फीट दूर। मैंने हताशा और डर के मारे स्टीयरिंग व्हील तेज कर दिया। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं अभी भी इस बुरे सपने की मौत की चपेट में थी। जैसे ही इंजन ने दम तोड़ा, हेडलाइट्स बंद हो गई और गाड़ी के रियर व्यू मिरर से मैंने देखा कि दो हमलावर मेरी तरफ भाग रहे थे। वो बहुत ही तेज भाग रहे थे। उनका शरीर हर सेकंड के साथ और बड़ा और भयानक होता जा रहा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। भाग कर जाने के लिए कोई जगह नहीं। जंगल इतने घने थे कि अंधेरे में उनसे नेविगेट नहीं किया जा सकता था, और मेरी शारीरिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं ऐसा करने की कोशिश भी नहीं कर सकती थी। उनमें से एक आदमी गाड़ी के पास बस पहुंचने ही वाला था। उसकी सांसें रात की ठंडी हवा में दिखाई दे रही। उसने अपनी मुट्ठी जोर से खिड़की पर दे मारी। अब तुम्हें इसका बहुत भुगतान करना होगा, उसने फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज से गुस्सा टपक रहा था।
दूसरा आदमी लंगड़ाते हुए हाथ में एक पत्थर लेकर मेरी तरफ आया। उसने पत्थर को मेरी तरफ वाली खिड़की की तरफ दे मारा और कांच टूट गया। कांच के अंदर गिरने की वजह से उसके टुकड़े मेरी तरफ बढ़ से। मैंने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर बचा लिया। कटने का दर्द को महसूस करते हुए मैंने उनकी पहुंच से दूर रहने की कोशिश की। दरवाजा खुला और उनके मजबूत हाथों ने मेरी जैकेट को पकड़ लिया। वो मुझे गाड़ी से बाहर धकेलने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने हाथ पांव चलाना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, मदद करो, कोई प्लीज मेरी मदद करो। मैं अंधेरे में चिल्लाने लगी। मैं उम्मीद कर रही थी कि पास से गुजरती हुई गाड़ी शायद मेरी चीख सुन ले, लेकिन सड़क सुनसान लग रही थी। रात के विशाल खालीपन ने मेरी चीख निगल ली। जिस आदमी के चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था वो मेरी तरफ झुका। उसके मुंह से गंदी बदबू आ रही थी। कोई भी तुम्हें नहीं सुन पाएगा, अब इसे और भी ज्यादा मुश्किल बनाना छोड़ दो। जैसे उसने मुझे खींचने की कोशिश की, मैंने गाड़ी की चाबी निकाली। खुद को बचाने की कोशिश में मैंने जोर से अपना हाथ हवा में घुमाया और चाबी उस आदमी की आंख में घुसा दी। वो दर्द से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ाने लगा। उसने अपने हाथ से आंख को पकड़ लिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। मैंने अभी तक हार नहीं मानी थी। अभी मैं ज्यादा दूर तक नहीं भागी थी कि दूसरे हमलावर ने मुझे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही मैं ठंडी सड़क पर गिरी, मेरी सांसें अकड़ गई। उसने मेरे हाथ मेरे सर के ऊपर पकड़ लिया, अपना सारा भार मुझ पर डाल दिया। अब आई ना तुम हाथ में, वो गुर्राया। उसके चेहरे मेरे चेहरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। मेरे अंदर जबरदस्त घबराहट फैल गई। छीना झपटी में मेरी कलाइयों की उस पर से पकड़ ढीली हो गई। मैंने अपना एक हाथ खुला छोड़ दिया। मेरी उंगलियां मिट्टी में धस रही थी। मैं किसी भी चीज को पकड़ना चाहती थी जिसे मैं हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकूं। अचानक मेरे हाथ में एक छोटा नुकीला पत्थर आ गया। बिना सोचे समझे मैंने उस पत्थर से आदमी पर वार कर दिया। वो दर्द से चिल्लाया और उसकी मुझ पर पकड़ इतनी ढीली हो गई कि मैं छटपटाकर आजाद हो गई। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया और लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मेरे शरीर में दर्द हो रहा था। आंसुओं और दर्द से मेरी नजरें धुंधली हो गई, लेकिन मुझे पता था कि मैं रुक नहीं सकती। मैं लंगड़ाते हुए जितनी तेजी से सड़क की तरफ भाग सकती थी भागी। मेरी हर सांस के साथ मेरे सीने में दर्द हो रहा था। अचानक हेडलाइट ने अंधेरे को चीर दिया। एक गाड़ी अपनी बाहों को बेतहाशा लहराते हुए मैं सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। गाड़ी मुझसे कुछ ही इंच की दूरी पर आकर रुक गई। उसका ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो मुझे देखकर बाहर निकला। मेरी हालत देखकर उसे चिंता हुई। मेरे पीछे हमलावर खड़े थे। एक गवाह के अचानक सामने आ जाने से उनके इरादे डगमगाए। वो मुड़े और वापस जंगल में गायब हो गए और उसी छाया में पिघल गए जहां से वो आए थे। मैं उस आदमी की बाहों में गिर गई। मेरा शरीर और दिमाग अब और सहन नहीं कर सकता था। मैं पूरी तरह थक चुकी थी। प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं बस इतना कहने में कामयाब हो पाई। मेरी आवाज भी फुसफुसा रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, दूर से पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। मैं पीछे मुड़कर उस सड़क की तरफ देखती हूँ। वहां लगभग मेरा अंत होने वाला था। मुश्किल दौर खत्म हो गया, लेकिन मैं जानती थी कि सुधार का लंबा सफर अभी शुरू होना है। उस रात ने मुझे बदल दिया। मुझे इस तरह से जख्मी कर दिया कि ठीक होने में मुझे काफी वक्त लगने वाला था। ये कहानी एक डैश कैम से रिकॉर्ड हुई एक बहुत ही अजीब घटना पर आधारित है।